गाइस वेलकम बैक स्नैपचैट ऑफ डे के साथ। बात करें आज का मुकाबला बेंगलुरु वर्सेस जयपुर पैंथर्स प्रो कबड्डी का आईपीएल सेशन। दोस्तों आज का मुकाबला आपका फिर से बहुत ही शानदार एक रोमांचित चित्र से खेला जाना मुकाबला है, जो कि क्रिकेट सर्च में आज बात करेंगे कि स्कोर बोर्ड के साथ। दोस्तों पॉइंट टेबल की अगर बात करेंगे, ओवरऑल पॉइंट, टैकल पॉइंट, रेड पॉइंट, बोनस पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बात की जाए तो ये मुकाबला आज का बहुत ही शानदार अच्छा रहा। बेंगलुरु वर्सेज जयपुर पैंथर्स की अगर बात करेंगे पॉइंट टेबल के साथ, तो इसके 10 पॉइंट बेंगलुरु के, उसमें जयपुर पैंथर्स के 12 पॉइंट। दोस्तों टैकल पॉइंट की बात करेंगे 5 पॉइंट जयपुर पैंथर्स के, उधर 6 पॉइंट बेंगलुरु के। फर्स्ट हाफ की बात करें, उसके बाद देखते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह से मुकाबला खेला था, उसके बाद आगे देखते हैं मुकाबला जो गोरु संघ किस तरह से लिया था, सुपर रेड और एक्स्ट्रा पॉइंट की शानदार परफॉर्म दिखाते हुए इस मुकाबले को खेला है। गाइस वेलकम बैक स्नैपचैट ऑफ डे के साथ। बात करें आज का मुकाबला बेंगलुरु वर्सेज जयपुर पैंथर्स प्रो कबड्डी का आईपीएल सेशन। दोस्तों आज का मुकाबला आपका फिर से बहुत ही शानदार एक रोमांचित चित्र से खेला जाना मुकाबला है, जो कि क्रिकेट सर्च में आज बात करेंगे कि स्कोर बोर्ड के साथ। दोस्तों पॉइंट टेबल की अगर बात करेंगे, ओवरऑल पॉइंट, टैकल पॉइंट, रेड पॉइंट, बोनस पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बात की जाए तो ये मुकाबला आज का बहुत ही शानदार अच्छा रहा। बेंगलुरु वर्सेज जयपुर पैंथर्स की अगर बात करेंगे पॉइंट टेबल के साथ, तो इसके 10 पॉइंट बेंगलुरु के, उसमें जयपुर पैंथर्स के 12 पॉइंट। दोस्तों टैकल पॉइंट की बात करेंगे 5 पॉइंट जयपुर पैंथर्स के, उधर 6 पॉइंट बेंगलुरु के। फर्स्ट हाफ की बात करें, उसके बाद देखते हैं स्कोर बोर्ड किस तरह से मुकाबला खेला था, उसके बाद आगे देखते हैं मुकाबला जो गोरु संघ किस तरह से लिया था, सुपर रेड और एक्स्ट्रा पॉइंट की शानदार परफॉर्म दिखाते हुए इस मुकाबले को खेला है। दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है, उसमें ये प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन, प्रो कबड्डी लीग चॉइस का मुकाबला जयपुर पैंथर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच, जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला गया मुकाबला है। दोस्तों पारी अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट टेबल की, दोस्तों टेकर और डिपेंडर में किस तरह से मुकाबले को खेला है, तो फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देने दिखता है, दोनों टीमें एक दूसरे दोनों टीमें हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पैंथर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी, फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था, तो किस तरह का भी मुकाबला खेला है, बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्म देखने को मिली थी। पारी की अगर बात करें, पारी भी बहुत ही शानदार एक प्रमुख चीज मुकाबला खेला गया था आज का, बहुत ही शानदार अच्छा रहा। दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है, उसमें ये प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन, प्रो कबड्डी लीग चॉइस का मुकाबला जयपुर पैंथर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच, जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला गया मुकाबला है। दोस्तों पारी की अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट टेबल की, दोस्तों टैकर और डिफेंडर में किस तरह से मुकाबले को खेला है, तो फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देने दिखता है, दोनों टीमें एक दूसरे दोनों टीमें हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पैंथर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी, फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था, तो किस हद तक ये मुकाबला खेला है, बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्म देखने को मिली थी। पारी की अगर बात करें, पारी भी बहुत ही शानदार एक अच्छे से मुकाबला खेला गया था आज का, बहुत ही शानदार अच्छा रहा। दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है, उसमें ये प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन, प्रो कबड्डी लीग चॉइस का मुकाबला जयपुर पैंथर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच, जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला गया मुकाबला है। दोस्तों पारी की अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट टेबल की, दोस्तों टैकर और डिफेंडर में किस तरह से मुकाबले को खेला है, तो फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देने दिखता है, दोनों टीमें एक दूसरे दोनों टीमें हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पैंथर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी, फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था, तो किस तरह का भी मुकाबला खेला है, बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। पारी की अगर बात करें, पारी भी बहुत ही शानदार एक अच्छे से मुकाबला खेला गया था आज का, बहुत ही शानदार अच्छा रहा। दोस्तों
दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है उसमें प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन प्रो कबड्डी लीग जो इसका मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला जाने मुकाबला है दोस्तों। पारी में बात करें यहाँ पे पुरुष चैनल की आप देख सकते हैं टेकर और डिपेंडर ने किस तरह से मुकाबले खेला है। फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पिंक पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिलता है। दोनों टीमें एक दूसरे की दोनों टीमें हैं उनके बाद फिर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पिंक पैंथर्स काफ़ी अच्छी पकड़ देखी थी फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था जो किस हद तक ये मुकाबला खेला गया बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्म देखने को मिली थी। पारी की बात करेंगे पारी भी बहुत ही शानदार एक बहुत अच्छे से मुकाबला खेला गया था आज का बहुत ही शानदार अच्छा रहा दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है उसमें प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन प्रो कबड्डी लीग जो इसका मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला जाने मुकाबला है दोस्तों। पारी में बात करें यहाँ पे पुरुष चैनल की आप देख सकते हैं टेकर और डिपेंडर ने किस तरह से मुकाबला खेला है फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पिंक पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिलता है। दोनों टीमें एक दूसरे की दोनों टीमें हैं उनके बाद फिर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पैंथर्स ने काफ़ी अच्छी पकड़ देखी थी फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था तो किस हद तक ये मुकाबला खेला गया बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्म देखने को मिली थी। पारी की बात करेंगे पारी भी बहुत ही शानदार एक बहुत अच्छे से मुकाबला खेला गया था आज का बहुत ही शानदार अच्छा रहा दोस्तों अगर बात करेंगे मुकाबला आज का जो खेला जा रहा है उसमें प्रो कबड्डी लीग का 11 सेशन प्रो कबड्डी लीग जो इसका मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच जो फिर से बहुत ही शानदार एक अच्छी तरह से खेला जाने मुकाबला है दोस्तों। पारी में बात करें यहाँ पे पुरुष चैनल की आप देख सकते हैं टेकर और डिपेंडर ने किस तरह से मुकाबला खेला है फिर से बेंगलुरु बुल्स के बहुत ही शानदार अच्छी तरह से खेल गए। जयपुर पिंक पैंथर्स का बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिलता है। दोनों टीमें एक दूसरे की दोनों टीमें हैं उनके बाद फिर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने काफ़ी अच्छी पकड़ देखी थी फर्स्ट हाफ के बाद दूसरे हाफ में मुकाबला देखा था किस हद तक ये मुकाबला खेला गया बहुत ही शानदार एक अच्छी परफॉर्म देखने को मिली थी। पारी की बात करेंगे पारी भी बहुत ही शानदार एक बहुत अच्छे से मुकाबला खेला गया था आज का बहुत ही शानदार अच्छा रहा दोस्तों।